This conference will now be recorded. Great. So let's wait for a few minutes and then we'll start, okay? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सो कंपैरेटिव स्ट्रेटजी पे बात कर रहे थे और इसमें हमने डिस्कस किया था कि माइकल पोर्टर ने कंपैरेटिव स्ट्रेटजी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। कंपैरेटिव स्ट्रेटजी डेफिनेटली एनवायरनमेंट पे बेस करती है। एनवायरनमेंट के मुताबिक आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वट एवर इंडस्ट्री यू आर वर्किंग इन, वट एवर इंडस्ट्री यू आर कम्पीटिंग इन, दे हैव अ सर्टन डायनामिक एनवायरनमेंट एंड योर स्ट्रेटजी मस्ट सूट दैट एनवायरनमेंट। किसी भी इंडस्ट्री, माइकल पोर्टर वॉज अ वेरी रिनाउंड कॉन्ट्रीब्यूटर टूवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रैटेजी। माइकल पोर्टर ने ये जो एक कॉन्सेप्ट दिया था ना प्रॉफिटेबिलिटी का, बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल पोर्टर ने कहा था कि किसी भी इदारे के जो प्रॉफिट्स हैं वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर वन, इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है, और नंबर टू, आपकी कंपैरेटिव पोजिशन कितनी स्ट्रांग है विद इन द इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री इट सेल्फ अट्रैक्टिव है तो इवन दो अगर आपकी पोजीशन थोड़ी माइल्ड भी है, थोड़ी कमजोर भी है, फिर भी आप प्रॉफिट अच्छे अर्न कर जाते हैं। इफ इंडस्ट्री इज हाईली अट्रैक्टिव यू मे अर्न गुड प्रॉफिट्स, बट अगर इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है लेकिन आपकी कंपैरेटिव पोजीशन स्ट्रांग है, फिर भी आप एक अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में भी अच्छी अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये पढ़े जरा, अ फर्म मे अर्न हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इवन दो द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज अनफेवरेबल, बट जस्ट बिकॉज योर कंपेरेटिव पोजिशन इज स्ट्रॉगर, एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में भी आप मुनाफा बख्श बिजनेस चला सकते हैं। एंड दैट कम्स थ्रू कंपेरेटिव एडवांटेज। हाउ डू वी डिफाइन दिस वर्ड, अगेन डेफिनेशन है, हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। कंपेरेटिव एडवांटेज कहते हैं द एडवांटेज दैट अ फर्म हैज ओवर इट्स कंपेरेटर्स, जिसकी बेस पे वो यूनिक या हायर रिटर्न ऑफ जो है वो अर्न करता है। ठीक है ना, that to what extent the firms will earn higher returns that depend upon their competitive advantage. Competitive advantage jo hai, it is always achieved by offering the customer greater value. Value ko bhi aage jaake padhenge, value kehte hain benefit ko, fayde ko. So jab aap customers ko greater value offer karte hain, it means that you are actually creating more satisfaction from the customer. Aur jab aap zyada satisfaction create karte hain to chances are there ke customer might come back और आपके रिटर्न्स बेहतर होंगे।
Now, there are different ways through which we can add value, or the different ways through which we can acquire competitive advantage. Competitive advantage को acquire करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, superior returns को earn करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. Michael Porter इसमें से तीन generic strategies पे बात करता है. Michael Porter कहते हैं कि there is a set of three strategies and these three strategies are somehow mutually exclusive. अगर आप किसी एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो उस तरह से आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन कॉस्ट लीडरशिप देन डिफरेंशिएशन माइट नॉट बी वेरी हाई, और इफ यू आर वर्किंग ऑन फोकस फॉर एग्जांपल तो फिर शायद आप कॉस्ट पे लीड ना कर सकें किसी. तो देर आर वेरियस वेज इन विच दी स्ट्रेटजीज कैन बी डिप्लॉयड. दो दफ़ा पास्ट पेपर्स में 99 मार्क्स का सेम क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. एग्जामिनेशन के अंदर दो दफ़ा 99 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर आ चुका है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कॉस्ट लीडरशिप. लीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ लो कॉस्ट मॉडल जैसे चाइना करते हैं, सेलिंग द गुड एट अ लोअर कॉस्ट देन योर कंपेटिटर्स. कॉस्ट लीडरशिप के दो तरीके होते हैं, इधर यू कैन सेल एट लोअर प्राइस देन योर कंपेटिटर्स और यू कैन सेल एट द सेम प्राइस बट इंक्रीज द क्वालिटी. और आप ये तभी करेंगे जब आपकी कॉस्ट कंट्रोल्ड होगी ना, अपने प्रॉफिट आप श्रिंक तभी करेंगे जब आपकी कॉस्ट कंट्रोल्ड होगी. सो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर इधर यू कैन सेल द गुड्स एट अ लोअर प्राइस देन कंपेटिटर और यू कैन सेल एट द सेम टाइम एट द सेल एट द सेम प्राइस बट योर प्रॉफिट्स माइट बी हायर. दोनों केसेस में आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को परसू कर रहे हैं, और अगर आप लोअर प्राइस पे सेल करते हैं देन योर कंपेटिटर तो व्हाट एडवांटेज डू यू गेट? मार्केट शेयर. मार्केट शेयर से मुराद है कि कितने कस्टमर्स हैं आपके, हाउ मेनी कस्टमर्स आर यू सर्विंग, आपकी कस्टमर बेस कितनी स्ट्रांग है. चाइना इस वक्त दुनिया में छाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंज्यूमर गुड्स के अंदर. चाइना इस वक्त दुनिया में कंज्यूमर गुड्स में टॉप पे है क्योंकि चाइना ने कॉस्ट को कंट्रोल किया हुआ है. चाइना इज लीडिंग द वर्ल्ड ऑन लो कॉस्ट मॉडल. ऐसा ही है ना, चाइनीज प्रोडक्ट आप लेके आते हैं दैट्स टू चीप, मतलब बहुत सस्ता होता है, उसके बरक्स आप कोई और प्रोडक्ट लेके आते हैं दैट माइट बी एक्सपेंसिव. ठीक है, ये होती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. यू लीड द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ योर लो कॉस्ट मॉडल. अब अगर आप लो कॉस्ट मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि या आप प्राइस कम कर दें मार्केट शेयर को एक्वायर करने के लिए, या कंपेटिटर को मार्केट से बाहर निकालने के लिए, या प्राइस सेम रखें. वट एवर प्राइस योर कंपेटिटर इज चार्जिंग यू आर यू ऑल्सो चार्ज द सेम प्राइस बट यू कैन अर्न हाई प्रॉफिट्स. You can earn high profits. Exactly. इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये एक मोनोपोली की तरफ ले जाती है आपको चीज. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड. इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्केल इकोनॉमीज, कि एक इंडस्ट्री में एक प्लेयर इतनी बड़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले आया है कि उस इंडस्ट्री के अंदर किसी और के लिए कम्पीट करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा. अदर्स आर सिंपली अनएबल टू कम्पीट. ठीक है ना, तो दैट वुड बी अब्यूज ऑफ पावर. और फिर गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पे फिर बीच में आएगी टू डिस्करेज द मोनोपोली क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू स्केल इकोनॉमीज. स्केल इकोनॉमीज की बुनियाद पे जो उस इदारे ने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है फिर गवर्नमेंट उसे डिस्करेज करेगी. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है डूइंग समथिंग यूनिक देन योर कंपेटिटर. फीचर्स ऐड करना प्रोडक्ट में. फीचर्स दो किस्म के होते हैं, एक फीचर वो जो एक्चुअली ऐड होते हैं और एक फीचर वो जिन्हें हम परसीव्ड कहते हैं. परसीव्ड फीचर जैसे ब्रांडिंग एक परसीव्ड फीचर है. नेस्ले ने ब्रांडिंग कर करके कस्टमर के माइंड में ये बिठा दिया हुआ है कि नेस्ले इज अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट. लेकिन हो सकता है कि नेस्ले की जो क्वालिटी है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल है क्वालिटी का, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है क्वालिटी. तो बेसिकली डिफरेंशिएशन दो तरह से की जाती है, या तो वाकई प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करें, वैल्यू ऐड करें. ठीक है, और अगर ये फीचर्स वैल्यू करें कस्टमर तो फिर आप हाई प्राइस चार्ज भी करें. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन की मिसाल ले लें. अब आईफोन क्या करता है, आईफोन डिफरेंशिएट करता है ना अपना प्रोडक्ट, सुपीरियर फीचर्स ऐड करता है. उसके ऊपर ब्रांड नेम है, उसके ऊपर उसकी मार्केटिंग है. तभी तो अब आईफोन एक्स मैक्स जो आया है, आईफोन 10 मैक्स,
दैट इज बीइंग सोल्ड एट लाइक एट 2 लाख रुपीज ऑलमोस्ट. अब तो 2 लाख रुपए का मोबाइल अगर कोई कंपनी बेच रही है, सो इट मीन्स दैट द ब्रांड मस्ट बी वेरी स्ट्रांग. हो सकता है कि क्यू मोबाइल उन्हीं फीचर्स के साथ आपको मोबाइल ऑफर करे, बट क्यू मोबाइल विल नेवर बी एबल टू चार्ज 2 लाख रुपीज. कस्टमर कहेगा 2 लाख लेकर क्यों मोबाइल ही परचेज करें, फिर आईफोन क्यों ना परचेज करूं. सी, एक रिप्यूट है, एक मार्केट में ब्रांड है. गेटिंग द पॉइंट? तो डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है दैट यू डू समथिंग यूनिक देन योर कंपेटिटर, यू डू समथिंग सुपीरियर देन योर कंपेटिटर. आप अपने कंपेटिटर से कुछ बेहतर करते हैं, कुछ यूनिक करते हैं. वो यूनिक कैसे करते हैं? 2 तरीके होते हैं. इधर एड सम फीचर्स टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फीचर्स ऐड कर दें, और यू कैन सिंपली गो फॉर सम मार्केटिंग, मार्केटिंग पे जाए. ठीक है, कस्टमर के माइंड में ब्रांड बिल्ड करें. जितनी ब्रांडिंग करेंगे उतनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी. ठीक है, द थर्ड स्ट्रेटजी इज फोकस. फोकस कहते हैं टू टारगेट अ वेरी स्मॉल मार्केट सेगमेंट. मैस मार्केट को पे नहीं जाते, मैस मार्केट कहते हैं बड़ी मार्केट को, जहाँ पे बहुत कस्टमर हो, उसे मैस मार्केट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी एंड कोका कोला आर मैस मार्केट प्रोडक्ट्स. जो महीना 15 लाख रुपया कमाता है वो भी कोक पिएगा, जो महीना 50,000 कमाता है वो भी कोक पिएगा. ठीक है ना, गरीब भी कोक पी सकता है, अमीर भी कोक पी सकता है, हर एक के घर में कोक की बॉटल वही जाती है 70-80 रुपीज की. दैट इज मैस मार्केटिंग, इसे कहते हैं मैस मार्केटिंग. लेकिन बीएमडब्ल्यू हर कोई तो परचेज नहीं करता. BMW सिर्फ वो लोग परचेज करेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, खास क्लास से बिलोंग करते हैं. दैट इज नोन एज नीच मार्केट. नीच मार्केट कहते हैं बहुत छोटे से पार्ट ऑफ मार्केट को टारगेट करना. ये छोटा सा पार्ट इनकम बेस भी हो सकता है, एजुकेशन बेस भी हो सकता है, जियोग्राफिक भी हो सकता है. एग्जैक्टली, तो ये नीच मार्केट. एग्जैक्टली, टेस्ला जो है ये नीच मार्केटिंग करता है. अब इसके टेस्ला के जो काउंटर ब्रांड्स हैं, टेस्ला इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये अपना रिटेल चेन है ना, इट्स अ रिटेल चेन है ना. अच्छा अच्छा ओके ओके, वो और है. सही सही सही, हाँ दैट्स, वो भी टी से ही है कोई नाम, टेस्को, वो टेस्को है, आई एम सॉरी, वो टेस्को है, दैट इज टेस्को. हाँ, फरारी की मिसाल ले लें. एग्जैक्टली, फरारी जो है दैट इज ऑल्सो नीच मार्केटिंग, ये बहुत छोटे से सेगमेंट को देती है. अब होंडा मैस मार्केटिंग करती है. होंडा के पास 15 लाख की गाड़ी भी है, 20 लाख की गाड़ी भी है, 25 लाख की गाड़ी भी है, 50 लाख की गाड़ी भी है. दैट इज नीश, दैट इज व्हाट वी कॉल एज, हाँ, प्योरिट. परफेक्ट, एक और एग्जांपल, प्योरिट भी यू नो नीश मार्केट करता है. सो यस, यू हैव वेरी गुड एग्जांपल्स. आपकी बुक एग्जांपल देती है ऑटोमोबाइल की. अब फोर्ड कंपनी जो है, यहाँ पे अगर आप फोर्ड की जगह वर्ड ले लें होंडा, और एस्टन मार्टिन की जगह वर्ड ले लें अगर फरारी, तो एग्जाम्पल आसानी से आ जाएगी समझ में. फोर्ड मोटर या होंडा जो है ये मैस मार्केट को बेचते हैं अपनी गाड़ियाँ, जबकि फरारी जो है ये टॉप एंड ऑफ द मार्केट को सेल करती है. टॉप एंड ऑफ द मार्केट मीन्स बहुत अमीर कस्टमर्स होते हैं इसके. तो बोथ होंडा एंड फरारी दोनों गाड़ियाँ ही बेचते हैं, बट दे आर नॉट कंपेटिटर्स, ये कम्पीट नहीं करते आपस में. जो फरारी का कस्टमर है वो कभी होंडा का कस्टमर नहीं हो सकता, और जो होंडा का कस्टमर है वो कभी फरारी का कस्टमर नहीं हो सकता. हाँ, होंडा और टोयोटा ये कम्पीट करते हैं आपस में. होंडा एंड टोयोटा जो है ये कम्पीट करते हैं, दे डू कम्पीट विद ईच अदर. ठीक है, ये आपस में कम्पीट करते हैं क्योंकि ये अलाइक प्रोडक्ट्स देते हैं. इफ उसने एग्जाम्पल मांगी है तो यस, यू कैन कोट योर ओन एग्जाम्पल, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एग्जाम्पल हाईली रेलिवेंट है. ठीक है, ओके. असलम ने क्वेश्चन किया है जी कि क्या क्यू मोबाइल भी नीश मार्केट को टारगेट करती है? नो, नॉट एट ऑल. क्यू मोबाइल मैसेस को टारगेट करती है. इनफैक्ट कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर जो कंपनीज है वो मैसेस को ही टारगेट करती हैं, वो डिफरेंशिएट करती हैं. क्यू मोबाइल नेवर टारगेट नीश मार्केट, दे एक्चुअली टारगेटिंग मैसेज. देखो ना, आप ये देखें कि लो इनकम क्लास कस्टमर की मैस का मैस ज्यादा है या हाई इनकम क्लास कस्टमर्स का मैस ज्यादा है. पाकिस्तान में मंथली डिस्पोजेबल इनकम जिनकी 1 लाख रुपए है, इनकी तादाद ज्यादा होगी, या जिनकी मंथली डिस्पोजेबल इनकम 20-25 हज़ार रुपये है, इनकी तादाद ज्यादा होगी. ऑब्वियसली जिनकी मंथली इनकम डिस्पोजेबल 20-25 हज़ार रुपये, दे माइट बी मोर इन नंबर. ठीक है, अगर क्यों मोबाइल इनके लिए ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट, स्मार्टफोन दे रहा है, तो ये मैस मार्केटिंग ही है, ये नीच मार्केटिंग नहीं है. ठीक है,
Okay, great. So that is, these are the three strategies, a very, very important topic regarding the examination. Okay, let's talk something about value. Value kya hoti hai? Value kaise add ki jati hai? Value add karne ke fayde kya hote hain? Agar aap value add karte hain, to isse aapko kya hasil ho sakta hai? What can be achieved? So what is value? How does value is added? And what benefit this value can bring to you? Value कहते हैं added benefit को which a customer is obtaining from a product or a service. Value को define करें तो value की definition मिलेगी आपको पहली line में. Value is the benefit that customer obtains from a product or a service. ये value, that's known as value. Customer is willing to pay more for something that creates more value. That create, अब ये value किस शक्ल में? That can be quality, that can be brand name, that can be low price. That can be availability, right? Next door पे आपको, next step पे आपको चीज मिल जाए. रात को, let's suppose, कुछ goods को हम emergency goods कहते हैं. Emergency goods जो होते हैं, ये हमेशा overpriced होते हैं, क्योंकि ये immediate value देते हैं आपको. जैसे for example, umbrella एक emergency good है, medicine एक emergency good है, बहुत सारे drugs जो हैं ये emergency goods में आते हैं. अब लेट्स सपोज 11th और रात के 12 बजे किसी इंडिविजुअल को किसी मेडिसिन की ज़रूरत है और वो ढूंढता फिर रहा है कोई मेडिकल स्टोर. उस वक्त जो मेडिकल स्टोर खुला होगा और जो उसको वो दवाई डिलीवर करेगा, दे कैन चार्ज मच फॉर दैट मेडिसिन, क्योंकि वैल्यू क्रिएट हो गई ना, वैल्यू मिल रही है, बेनिफिट मिल रहा है. आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई, डोर रोड साइड पे एक बंदा छतरी बेच रहा है, उस वक्त आप उस छतरी के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा भी पे करने को तैयार होंगे, क्योंकि क्या मिल रहा है आपको? वैल्यू मिल रही है आपको. गेटिंग दिस पॉइंट? तो वैल्यू जो होती है, दैट इज द एडेड बेनिफिट. एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल लेते हैं. हाँ, अब मैकडॉनल्ड्स का वैल्यू मील क्या है? इनफ, दो साइज स्मॉलर लेकिन गुड वैल्यू फॉर मनी है. एग्जैक्टली, दे हैव गुड वैल्यू फॉर मनी. बिल्कुल हाँ. अब जैसे नहीं, वो वैल्यू नहीं, मतलब नहीं, वो है वैल्यूएबल हो जाना. देखो, वैल्यू उस फायदे का है, फायदे से मिलती है जो आपको, फायदे से आती है जो आपको मिलता है. हेलमेट्स वैल्यूएबल हो गए हैं इसलिए महंगे हो गए. वैल्यू नहीं बढ़ी, वैल्यूएबिलिटी बढ़ गई. जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस ना. हेलमेट्स हैव नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल. हाँ, ज्यादा वैल्यूएबल. हाँ एग्जैक्टली. टेस्ला की एग्जाम्पल ले, और टेस्ला ब्रांड इलेक्ट्रिक कार से एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस पैदा करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो वैल्यू क्रिएट करते हैं. मैं सिर्फ एग्जांपल लेके आ रहा था. यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट रिलेटेबल है. एग्जैक्टली, यूटिलिटी इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज वैल्यू. कि आप अखज क्या करते हैं किसी चीज में से, आपको मिलता क्या है किसी चीज में से, व्हाट इज द यूटिलिटी यू गेट. यूटिलिटी खैर एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, बिजनेस वर्ल्ड में हम वैल्यू का वर्ड यूज करते हैं. यूटिलिटी को हम वैल्यू के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. यस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. तो वैल्यू कहते हैं उस फायदे को, उस बेनिफिट को जो आपको हासिल हो रहा है. एंड कस्टमर इज ऑलवेज विलिंग टू पे मोर, कस्टमर इज ऑलवेज विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर. ऐसी मिसाल देता हूँ, कॉफी का जो प्रोसेस होता है, चलें एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, सो वी हैव अ प्रोसेस. सबसे पहले होती है रॉ कॉफी बीन्स. ठीक, रॉ कॉफी बीन्स को कंपनीज लेकर रोस्ट करती हैं, तो रोस्टेड कॉफी बीन्स बन जाते हैं. ठीक, रोस्टेड कॉफी बीन्स. नेस्कैफे जैसी कंपनी, नेस्ले जैसी कंपनीज जो हैं, ये कॉफी, रोस्टेड कॉफी बीन्स परचेज करती हैं, इनको क्रश करती हैं, प्रोसेस करती हैं, एरोमा ऐड करती हैं. ठीक है, तो एक आप समझ लें कि SKU बन जाता है कॉफी का, जो आप नेस्कैफे की कॉफी बाजार से जाके परचेज करते हैं. कोई एक शॉप, कोई कॉफी पार्लर वाला, कोई कॉफी शॉप वाला उस क्रश प्रोसेस्ड कॉफी को परचेज करता है और वो कस्टमर को कप ऑफ कॉफी ऑफर करता है. और यही कप ऑफ कॉफी जो है, अगर आपको जैमिन जावा से मिले या ग्लोरिया जीन्स से मिले, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके फाइन, लेट्स से रॉ कॉफी बीन्स जो हैं,
they cost 100 rupees per kg. Let's suppose raw coffee bean 100 rupees per kg cost karte hain. आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर लें. आप रॉ कॉफ़ी बीन्स बाज़ार से ख़रीद के ले आएँ 100 रुपये किलो के हिसाब से. उन्हें आप ख़ुद रोस्ट करें, ख़ुद क्रश करें, उससे आप जब एक कप ऑफ कॉफ़ी बनाएंगे तो वो एक कप ऑफ कॉफ़ी कितने का कॉस्ट करेगा आपको? लेस देन 5 रुपीज़. द कॉस्ट पर कप ऑफ कॉफ़ी वुड बी लेस देन 5 रुपीज़. ठीक, लेट्स से आप कहते हैं नहीं, रॉ कॉफ़ी बीन्स नहीं परचेज करने, रोस्टेड कॉफ़ी बीन परचेज करता हूँ. मेरे पास तो कॉफ़ी बीन को रोस्ट करने का प्लांट ही नहीं है, मैं रोस्ट कहाँ करूँगा उसे. आप रोस्टेड कॉफ़ी बीन परचेज करते हैं, दैट कॉस्ट लाइक 200 रुपीज़ पर के जी फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब आपका जो कॉस्ट पर कप है, अगर जब आपने रोस्टेड कॉफ़ी बीन परचेज किया, क्रश खुद किया, फिर आपने कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाई, तो कॉस्ट पर कप कितनी हो गई आपकी कॉफ़ी की? दैट इज़ लाइक माइट बी लेस देन 10 रुपीज. ठीक है, लेस देन 10 रुपीज. ओके, आप कहते हैं नहीं, रोस्टेड कॉफी बीन ला के क्रश कौन करे, प्रोसेस कौन करे, अरोमा कौन ऐड करे? नेस्ले की नेस्कैफे परचेज कर लेते हैं. नेस्ले की नेस्कैफे आपको मिलती है 300 रुपीज पर 250 ग्राम फॉर एग्जाम्पल. कितनी महंगी हो गई एकदम. नेस्ले की नेस्कैफे घर लाते हैं, उसे बीट करते हैं, कप में डाल के कॉफी बनाते हैं, तो कॉस्ट पर कप जो है ये कितनी हो जाएगी? माइट बी लेट्स से लेस देन 50 रुपीज. ठीक है, 50 रुपये फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, नेस्कैफे की कॉफ़ी घर ला के उसे खुद बीट करके, कॉफ़ी बीट करते हैं ना आप लोग, कितना लेबोरियस प्रोसेस है, अच्छी कॉफ़ी बनती है. अब तो खैर मौसम भी आ गया, आई लव टू हैव कॉफ़ी, लेकिन बीट करना मुझे अजाब लगता है. एंड माई वाइफ सेज के बीट आप कर दें बना, मैं देती हूँ. अगर तो मैं आपे ना बनाना फिर जब इफ यू हैव टू बीट इट. ठीक है, इफ आई हैव टू बीट इट, तो शी ऑलवेज से बीट आप करें बनाती हैं. तो अब बड़ा मुश्किल काम होता है कॉफ़ी बीट करना, जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, हाथ दुख जाता है आपका. ऐसा ही है जी. खैर, कॉफ़ी खुद आप बीट की, आपने खुद कॉफ़ी बीट करके आपने बनाई, 50 रुपये का कप पड़ा. आप कहते हैं दफा करो यार, घर में कॉफ़ी कौन बनाए? लेट्स गो टू सम कॉफ़ी पार्लर. लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी एट लेट्स से 100 रुपीज. ठीक है, 100 रुपये का कप मिलता है कॉफी का, और उसी 100 रुपये के कप के कॉफी पे ब्रांड ऐड कर दो, ग्लोरिया जीन्स से या जैमिन जावा से कॉफी पी, कितने की मिलती है? 500 रुपये. अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो जरा, वॉट इज हैपनिंग इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप गौर फरमाए तो वैल्यू ऐड हो रही. हर अगली स्टेज पिछली स्टेज में एक वैल्यू ऐड कर रहा है. Customer is willing to spend 500 rupees for a cup of coffee, which customer could have produced at less than 5 rupees. लेकिन आप फिर भी 500 रुपये देने को तैयार हैं, क्योंकि आपको वैल्यू मिल रही है, कन्वीनियंस, क्वालिटी, एम्बियंस, माहौल, रेस्टोरेंट के अंदर आप जाके बैठेंगे. ये है कॉन्सेप्ट वैल्यू. दिस इज हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड, दिस इज हाउ वैल्यू इज एस्टैब्लिश्ड. आपकी बुक एग्जाम्पल देती है. एग्जैक्टली, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट माइनस ये नहीं, ये वैल्यू वो जो कंपनी अर्न करती है, ये डिलीवर्ड. देखें, वैल्यू दो किस्म की होती है, रिमेंबर, एक वो वैल्यू जो कंपनी अर्न करती है, एक वो वैल्यू जो कंपनी कस्टमर को डिलीवर करती है. जिस वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, ये वो वैल्यू है जो कंपनी अर्न कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. देखो ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज योर प्रॉफिट ना, ये आपका प्रॉफिट ही होता है ना. So, ये कस्टमर वाली वैल्यू नहीं है. दिस इज नॉट द वैल्यू यू क्रिएट फॉर द कस्टमर, दिस इज द वैल्यू व्हिच यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ. ये आपकी सेल्फ क्रिएटेड वैल्यू है. ठीक, दिस इज योर ओन वैल्यू जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं. हमने वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए. जैमिन जावा अगर 500 का कप भेज रहा है कस्टमर को, तो वैल्यू कस्टमर के लिए क्या क्रिएट कर रहा है? उसे एम्बियंस दे रहा है, ये वैल्यू है. उसको क्वालिटी दे रहा है, फिर टॉप ऑफ द लिस्ट ब्रांड नेम. कस्टमर जैमिन जावा जाते हैं, अब आप घर के करीब वो जो स्टॉल्स वाली कॉफी होती है, कभी वहां चेक इन किया आपने? कॉफी पीने गए हम, कहाँ चेक इन करते हैं? फेसबुक पे है जी, अतीक चेक इन टू जैमिन जावा है जी, अतीक चेक इन टू ग्लोरिया जीन्स. हम चेक इन कहाँ करते हैं? ग्लोरिया जीन्स में, जैमिन जावा में. हमने कभी चेक इन किया अकबरी मंडी? हम कॉफी बीन परचेज करने आए हैं अकबरी मंडी लाहौर में, तो वी हैव नेवर चेक्ड इन ना फेसबुक के ऊपर. हाँ, और फिर वो जो कॉफी आर्ट जो होती है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे कॉफी आर्ट बनाते हैं, बिल्कुल.
वो भी वैल्यू है, दैट्स ऑल्सो वैल्यू, दैट इज ऑल्सो वैल्यू. सो वैल्यू क्रिएट करने के देर आर सो मेनी वेज, हंड्रेड ऑफ वेज. ओके, आपकी बुक एग्जाम्पल देती है वैल्यू, ये देखिए. कंपनी एक्स जो है 1,000 रुपए का लेदर परचेज करती है और 10,000 की बेल्ट बेचती है. कंज्यूमर कुड हैव बॉट द लेदर देमसेल्फ, लेकिन कंज्यूमर फिर भी विलिंग है 10,000 पे करने, क्योंकि जो 9,000 रुपया जो कंज्यूमर एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो किसी ना किसी वैल्यू के अगेंस्ट पे कर रहा है. कन्वीनियंस, क्वालिटी, ब्रांड नेम, किसी सुपीरियर क्वालिटी, टाइमली अवेलेबिलिटी. कस्टमर इज विलिंग टू स्पेंड 9,000 मोर, इट मीन्स कि कस्टमर को वैल्यू मिल रही है ना, तभी तो कस्टमर एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है. अगर वैल्यू ना मिल रही हो तो कस्टमर कभी भी एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा. तो कंपेटिटिव मार्केट के अंदर मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस वही होते हैं जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, और कस्टमर इज विलिंग टू पे हायर प्राइस बिकॉज कस्टमर बिलीव कि आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है. वैल्यू क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम इन सारे तरीकों को वैल्यू चेन में जाकर रिप्लेस करते हैं वन बाय वन. जस्ट होल्ड दीज वेज ऑफ एडिंग वैल्यू, इस वे इन एडिंग वैल्यूज के वेज को अभी हम वैल्यू चेन के मॉडल के साथ लिंक करते हैं. सो वी विल गेट बैक टू इट. लेट्स टॉक अबाउट वैल्यू चेन. चेन चेन कहते हैं सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को. चेन इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, और वैल्यू चेन सीरीज ऑफ एक्टिविटीज थ्रू विच वी एड वैल्यू, जिसके थ्रू हम वैल्यू एड करते हैं अपनी ऑफरिंग्स में. तो वो तमाम एक्टिविटीज जिनके थ्रू हम अपनी ऑफरिंग, ऑफरिंग मीन्स योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, तो वो तमाम एक्टिविटीज जिनसे आप अपनी ऑफरिंग में वैल्यू ऐड करते हैं उसे वैल्यू चेन कहते हैं. JSW का मॉडल है, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल, सॉरी माइकल पोर्टर का मॉडल है. JSW डिफाइन करते हैं वैल्यू चेन को, द एक्टिविटीज विद इन एंड अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच टुगेदर क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस. पुटिंग इट सिंपलेस्ट, वैल्यू चेन एक इदारे के इनसाइड और आउटसाइड वो तमाम एक्टिविटीज जिसके जिसको यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करें, वो वैल्यू है, वो आपकी वैल्यू चेन. माइकल पोर्टर की वैल्यू चेन में दो एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी वैल्यू चेन और सेकेंडरी वैल्यू चेन. दोनों आ चुकी पेपर में, प्राइमरी पे अलग सवाल आया है, सेकेंडरी पे अलग सवाल आया है. प्राइमरी वैल्यू चेन उस वैल्यू चेन को कहते हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट फिजिकली मूव होता है कस्टमर के पास पहुंचने तक. रॉ मटेरियल, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट इस पे भी कम्यूट करता है, मूव करता है, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटीज, गारंटीज के क्लेम सारे. तो प्राइमरी वैल्यू चेन की सारी एक्टिविटीज प्रोडक्ट को आगे मूव करती हैं, प्रोडक्ट को आगे मूव करती हैं, और साथ ही सर्विस के थ्रू देर इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स, रिवर्स भी होती है. अगर कस्टमर वारंटी क्लेम कर रहा है तो प्रोडक्ट वापस भी आएगा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी होती है, रिवर्स भी मूव करती है वैल्यू चेन. खैर, हम रिवर्स लॉजिस्टिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा इंटरेस्ट जो है दैट इज मोर टुवर्ड्स प्राइमरी वैल्यू चेन. सो प्राइमरी वैल्यू चेन के अंदर जो हमारा मेन कंसर्न होता है दैट इज टू अंडरस्टैंड कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम वैल्यू ऐड करते हैं. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स उन तमाम एक्टिविटीज को कहते हैं जिनसे आप रॉ मटेरियल को रिसीव करते हैं, परचेज मटेरियल को हैंडल करते हैं, स्टोर करते हैं, आपके जो वेयर हाउसेज हैं फॉर एग्जांपल, स्टोरेज एरियाज हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये तमाम के तमाम एक्टिविटीज आपकी इनबाउंड में काउंट होती हैं. ऑल ऑफ दीज आर काउंटेड इन योर इनबाउंड. तो एक इदारा इनबाउंड के थ्रू कैसे वैल्यू ऐड करेगा, इन्वेंट्री को मिनिमाइज करके फॉर एग्जाम्पल. एक इदारा कैसे वैल्यू ऐड करेगा, टाइमली ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से टाइम पे चीज़ आपके पास डिलीवर हो, मटेरियल हैंडलिंग आपकी अच्छी हो, वेस्टेज आपकी कम से कम हो, ये तमाम चीज़ें वैल्यू ऐड करेंगे ना आपके अगले प्रोसेस के अंदर. देन वी हैव ऑपरेशंस. ऑपरेशंस आर कंसर्न विद द वे यू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, कन्वर्टिंग परचेज मटीरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट विच वुड द कस्टमर विल बाय. लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑपरेशंस क्या होते हैं, मशीनिंग, असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग, ये तमाम चीज़ें. एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ऑपरेशंस में क्या होता है, लैपटॉप की असेंबली है, लैपटॉप की टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है. ऑपरेशंस में आप वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, ऑपरेशन में आप क्वालिटी बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की,
आप सुपीरियर लेबर हायर करेंगे ताकि वो अच्छी चीज प्रोड्यूस करे। यू सी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स वो तमाम चैनल्स जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, पहले उन्हें स्टोर करते हैं अनटिल दे आर ऑर्डर्ड, बिफोर दे आर ऑर्डर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स भी इसमें आ जाती है। ठीक है ना, आपके जो फिनिश गुड्स के वेयर हाउसेज होते हैं ये आउटबाउंड में आते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है कस्टमर के प्रेमिसेस तक ये आउटबाउंड में आती है। ठीक है ना, एग्जैक्टली, डिजाइनिंग भी ऑपरेशन में, परफेक्ट, डिजाइनिंग भी ऑपरेशन में, डिजाइनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉम्पोनेंट है, प्रोडक्ट को डिजाइन करना ये R&D का काम है। ठीक है, मैनुफैक्चरिंग से पहले होती है डिजाइनिंग, पहले डिजाइन करते हैं फिर मैनुफैक्चर करते हैं, और दोनों ऑपरेशन में आते हैं। एंड देन यू हैव मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आप कस्टमर कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फाइनल्स में मार्केटिंग का पूरा टॉपिक आएगा। 4 P's सुना है आपने? 4 P's ओ लेवल ए लेवल वालों ने जरूर सुने होंगे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप TV पे ऐड देखते हैं कोई, तो वो क्या बताते हैं आपको ऐड पे? वो बताते हैं हम क्या बेच रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्लेस कहाँ कहाँ मिल सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे मिलेगा, मेडिकल स्टोर्स पे मिलेगा, प्राइस भी इंफॉर्मेशन कुछ आपको दे देते हैं, कुछ सेल प्रमोशन आपको बता देते हैं। मतलब ये 4 P's जो है ये मार्केटिंग के टूल्स हैं, बेसिकली दे आर टूल्स ऑफ मार्केटिंग। हम 4 P's को इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग करते हैं। एंड देन यू हैव सर्विसेज, वंस द प्रोडक्ट इज सोल्ड तो फिर आफ्टर पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज, जिसमें वारंटी है, गारंटी है, इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, B2B बिजनेस टू बिजनेस के अंदर फिर आप ट्रेनिंग भी देते हैं कस्टमर्स के एम्प्लॉयज को। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने किसी क्लाइंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सो वो सॉफ्टवेयर जाकर भी ट्रेनिंग भी देंगे उस कंपनी के एम्प्लॉयज को, ये B2B में होता है नॉर्मली। ठीक है, इसी तरह कॉल सेंटर सर्विसेज भी सर्विसेज में आ जाती हैं, कस्टमर कॉल सेंटर्स जो होते हैं ये भी सर्विसेज में काउंट होते हैं। सो यू कैन वेरी फेयरली सी कि ये पांचों एक्टिविटीज जो हैं वो कैसे वैल्यू ऐड कर रही हैं, हाउ आर दे एडिंग वैल्यू। और हर एक्टिविटी जो है उसमें कुछ ना कुछ आप सुपीरियर करेंगे, कुछ ना कुछ आप यूनिक करेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर आप बेहतर करेंगे ताकि वैल्यू ऐड हो जाए, यू वुड डू समथिंग रिमार्केबल। ये भी याद रखें, एविडेंट है कि एक इदारा ये नामुमकिन है कि पांचों में से हर फेज पे वैल्यू ऐड करें, नामुमकिन है। आपकी वैल्यू इनमें से किसी ना किसी एक फेज पे फोकस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेस्ले हैं तो यू फोकस मोर ऑन क्वालिटी, तो आपकी वैल्यू ऑपरेशंस में ऐड होगी। गोरमे वैल्यू ऐड करता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर, जगह जगह ब्रांचेस खोली हुई लेट्स से। इसी तरह फॉर एग्जांपल, कोई और कंपनी बड़ी ब्रांडिंग करती है, मार्केटिंग करती है, अपनी ब्रांड के थ्रू वैल्यू ऐड करते हैं। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रॉ मटेरियल सस्ता परचेज करती हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के थ्रू वैल्यू ऐड करते हैं। कोई कंपनी आपको स्टेट ऑफ द आर्ट आफ्टर सेल सर्विसेज देती है, उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है। तो वैल्यू ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये मुमकिन नहीं है कि एक इदारा इनमें से पांचों की पांचों एक्टिविटीज में इक्वल वैल्यू ऐड करे, नामुमकिन। देर मस्ट बी सम वैल्यू चेन एक्टिविटी जहां पे आपकी एडेड वैल्यू हाईएस्ट होगी एज कंपेयर टू योर कंपेरेटर, जहां पे जो वैल्यू आप क्रिएट करेंगे वो आपकी सुपीरियोरिटी बनेगी। अब ये एग्जाम्पल्स देखें, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। अब मैं एग्जाम्पल पढ़ूंगा, आप बताएंगे कि प्राइमरी वैल्यू चेन की ये कौन सी एक्टिविटी है। तो वन वे ऑफ एडिंग वैल्यू इज टू ऑल्टर प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूडिंग न्यू फीचर्स इन द प्रोडक्ट। जैसे गाड़ी के नए नए मॉडल्स आते हैं, ये किस एक्टिविटी में हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, विच इज एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन, जिसमें आप ऑपरेशंस, परफेक्ट, वेरी गुड, ऑपरेशन में वैल्यू ऐड हो रही है। ओके फाइन, वैल्यू कैन बी एडेड बाय मेकिंग इट इजियर फॉर द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट। ये कहाँ वैल्यू ऐड हो रही है, वेयर इज द वैल्यू बीइंग एडेड? आउटबाउंड, परफेक्ट, डिलीवरी, कस्टमर के डोर स्टेप पर डिलीवर करना फॉर एग्जाम्पल। ओके, वैल्यू कैन बी एडेड बाय प्रमोटिंग अ ब्रांड नेम, ये वैल्यू कहाँ पे ऐड हो रही है, ये मार्केटिंग में जा रही है। एग्जैक्टली, 4 P's ऑफ मार्केटिंग ब्रांडिंग में जा रही है। अब ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है, दिस इज अ बिट ट्रिकी वन। वैल्यू कैन बी एडेड बाय डिलीवरिंग अ सर्विस और प्रोडक्ट मोर क्विकली, ये वैल्यू कहाँ पे ऐड हो रही है? What do you think? Where is the value being added? Okay, service में रहा है। I was expecting कि यही यहाँ पे confusion आएगी। कोई outbound कहेगा, कोई service कहेगा। Very good, शाबाश। आप exactly वही answer दे रहे हैं जो देने चाहिए। अगर तो ये service sector में है, जैसे hospital की example है, तो फिर ये service है। Then it's a service।
अगर ये मैन्युफैक्चरिंग है तो ये आउटबाउंड है. ओके, इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग तो डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट मोर क्विकली इज आउटबाउंड. बट इफ यू टॉक अबाउट अ सर्विस, फॉर एग्जाम्पल सर्विस नॉट लाइक दिस सर्विस, ये है, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लें, आफ्टर सेल सर्विस, ये आफ्टर सेल सर्विस है. एक होती है कोर सर्विस, यानी आपका प्रोडक्ट ही सर्विस है. जैसे एक हेयर ड्रेसर है या एक डॉक्टर है, उनका प्रोडक्ट ही एक सर्विस है ना. तो एक डॉक्टर कितनी जल्दी पेशेंट को ट्रीट करता है, ठीक है, दैट वुड बी काउंटेड हेयर, ये सर्विस में काउंट होगा. लेकिन अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो ये काउंट होगा आउटबाउंड में. तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है. ये वही वाली एग्जांपल जो अभी ऊपर, वैल्यू कैन ऑल्सो बी एडेड इन अ रिलायबल सर्विस, कस्टमर नो दैट दे आर रिसीविंग गुड सर्विस ऑन टाइम प्रॉमिस टाइम, ये भी सर्विसेज में जाता है, इट्स ऑल्सो सर्विसेज. ओके ग्रेट, सो दैट इज प्राइमरी वैल्यू चेन, इसे कहते हैं प्राइमरी वैल्यू चेन. लेकिन ये प्राइमरी वैल्यू चेन खुद से काम नहीं करती, हमें इसके लिए एक सेकेंडरी वैल्यू चेन चाहिए होती है जो इसको सपोर्ट करे. वी ऑल्सो नीड अ सेकेंडरी वैल्यू चेन दैट सपोर्ट्स इट. और तो वैल्यू चेन की डायग्राम आपकी किताब मेरी बनी हुई, मैं आपको सी ए फाइनल्स की किताब की डायग्राम दिखाता हूँ वैल्यू चेन की, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ना इसका स्क्रीन शॉट ले लें. ये डायग्राम जो है ना वैल्यू चेन की, ये जो एक्चुअल डायग्राम है वैल्यू चेन की, वो ये है. दैट इज लाइक थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक. ओके जी, सो वेयर इज वैल्यू चेन, इज फोर्थ चैप्टर. सीए फाइनल्स में जाके इंशाल्लाह ये दोबारा पढ़ेंगे. डरें उस वक्त से जब आपको ये 569 पेजेस की किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. बी कॉन्शियस, जिंदगी आसान नहीं है आगे. दिस इज सीए फाइनल्स. ओके, ये है जी वैल्यू चेन, ठीक है. दिस इज माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन. ये डायग्राम का स्क्रीन शॉट ले लें. तो इस डायग्राम में बड़े दो तीन अच्छे मैसेजेस हैं, इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज. एंड यू कैन सी कि ये प्राइमरी एक्टिविटीज को हमने वर्टिकली प्लेस किया हुआ है, देख रहे हैं, वर्टिकली प्लेस्ड है. बीएमबीएस की कितने पेजेस हैं यार, देख लो, बीएमबीएस के 272, लाइक हाफ ऑफ इट, इवन लेस देन हाफ. यस, 569 पेजेस की किताब है आपकी. फाइनल्स बीएम इज अ चैलेंज, 4 months exactly. No, not रटा, not at all. Final is not रटा at all. Finals में देखें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंशाल्लाह आपकी जब ओरिएंटेशन या जब आप इंशाल्लाह कैफ क्वालिफाई कर जाएंगे, फाइनल्स में ये होता है कि एज सून एज यू इंशाल्लाह क्लियर योर कैफ और आप फर्म्स में दाखिल हो जाते हैं, तो इट नॉट नेसेसरली मीन्स कि 1.5 साल में आपने कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यू विल बिकम एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन आफ्टर लाइक 18 months ऑफ योर ट्रेनिंग ना. आप 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद एलिजिबल होते हैं ना पेपर देने के लिए फाइनल्स के, सीफैप के. तो अब इसमें फिर थोड़ा सा चेंज ये है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो तैयारी पहले ही शुरू कर देते हैं, और जिस दिन आप फॉर्म में गए हैं विद इन अ मंथ आपने पढ़ना शुरू कर दिया साथ ही, एटलीस्ट जो पेपर आपने सबसे पहले देने हैं 2-3 पेपर. इससे फायदा ये होता है कि बाय द टाइम आप की एलिजिबिलिटी आती है आपकी तैयारी हो चुकी होती है 1.5 साल में. अच्छा यार, लेबर अब्यूज कह लें आप, ठीक है. यस, आई आई अंडरस्टैंड. इसलिए मैं कहता हूँ बिग फोर को टारगेट करें, क्योंकि बिग फोर आर हाईली प्रोफेशनल. अदरवाइज छोटी मोटी फर्म्स में ज्यादा होता है अब्यूज, बिग फोर इज वेरी प्रोफेशनल. तो योर टारगेट शुड बी बिग फोर, ठीक है, यू शुड बी टारगेटिंग बिग फोर. गॉट इट. सो डायग्राम दिखाने का मकसद ये था कि आप देखें, हमने प्राइमरी एक्टिविटीज को वर्टिकली प्लेस की और सेकेंडरी को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, देख रहे.
Oh, sorry for the interruption. Actually, I just had a guest in the room. Okay, तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप इसकी प्लेसमेंट देखें, इफ यू लुक एट द प्लेसमेंट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है डायग्राम आपको, और इन्फॉर्मेशन ये दे रही है कि हर प्राइमरी एक्टिविटी एक सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर कवर हो रही है. जैसे प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट का डिसीजन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. एचआर है, एचआर आपको पांचों में चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पांचों में चाहिए. इसी तो ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है. यानी सपोर्ट एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू चेन की प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, दे आर ऑल सपोर्टेड बाय द सेकेंडरी वैल्यू चेन, दे आर ऑल सपोर्टेड बाय द सेकेंडरी वैल्यू चेन. जो मैं अभी आपको बता रहा था कि नेचर ऑफ एक्टिविटीज वेरी करती हैं फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और डिफरेंस भी होते हैं बिटवीन द वैल्यू चेन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. कोई मैन्युफैक्चरर किसी और एक्टिविटी पे फोकस कर रहा है, कोई किसी पे फोकस कर रहा है. हर मैन्युफैक्चरर का अपना अपना इंटेंट, अपना अपना इंटरेस्ट होता है वैल्यू चेन की एक्टिविटीज के ऊपर. हाउएवर, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैल्यू चेन इज ट्रू फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज. वैल्यू इज एडेड बाय ऑल द एक्टिविटीज ऑन द प्राइमरी वैल्यू चेन. दैट इज अप टू यू कि आप किस में वैल्यू एड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है. आप सारी एक्टिविटीज के थ्रू वैल्यू ऐड कर सकते हैं. इट इज योर डिसीजन कि आप किस एक्टिविटी के थ्रू वैल्यू ऐड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है. बिकॉज कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे मोर इफ यू आर, लेट्स से, डिलीवरिंग द कस्टमर राइट टू देयर होम्स. तो ये आउटबाउंड से वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है. कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे मोर अगर जैसे एप्पल आईफोन है, ऑपरेशन से वैल्यू ऐड कर दी, सुपीरियर क्वालिटी फीचर्स, ठीक है. सो दैट इज प्राइमरी वैल्यू चेन, एडिंग वैल्यू इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सपोर्टेड बाय सेकेंडरी वैल्यू चेन. सेकेंडरी वैल्यू चेन में पहली एक्टिविटी है परचेजिंग. दिस इज प्रोक्योरमेंट. परचेजिंग भी कहते हैं, प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं, एक ही चीज़ है. एक तो नहीं है, खैर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस इस लेवल पे क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट नहीं. वो इंशाल्लाह फाइनल में जाकर डिफरेंस क्लियर कर लेंगे. अभी आप इसे परचेजिंग ही समझें. इसमें आप रिसोर्सेज को प्रोक्योर करते हैं. अब देखो, परचेजिंग हर जगह पे हो रही है. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए परचेजिंग क्या है? रॉ मटेरियल परचेज करेंगे. ऑपरेशन के लिए परचेजिंग क्या है? प्लांट मशीनरी परचेज करेंगे. आउटबाउंड के लिए परचेजिंग क्या है? आप परचेज करेंगे फ्रेट, गाड़ियां परचेज करेंगे डिलीवरी के लिए. मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए परचेजिंग क्या है? यू विल परचेज कंप्यूटर, यू विल परचेज अदर इक्विपमेंट जिसे आप मार्केटिंग बेहतर कर सकें. सर्विसेज के लिए परचेजिंग क्या होगी? आप जैसे अगर कॉल सेंटर सर्विसेज ऑपरेशन चलाते हैं, तो फिर कॉल सेंटर के लिए आप परचेजिंग करेंगे. तो प्रोक्योरमेंट हर जगह पे हो रही है. एग्जैक्टली, शाबाश. प्रोक्योरमेंट जो है वो हर जगह पे हो रही है, इसीलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ. देख रहे हैं आप, फॉर दैट रीजन वी हैव प्लेस्ड इट हॉरिजॉन्टली कि प्रोक्योरमेंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एवरीवेयर. सिमिलरली टेक्नोलॉजी की मिसाल ले लें, टेक्नोलॉजी हर जगह पे, चाहे आप आरएनडी कर रहे हैं, ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी आरएनडी के थ्रू होती है. टेक्नोलॉजी के अंदर आपका नॉलेज भी आ जाता है. व्हाटएवर नॉलेज यू आर एक्वायरिंग रिगार्डिंग योर सप्लायर्स, योर कस्टमर, ये भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी भी हर जगह हो रही है. यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है कि आप किन सोर्सेज से रॉ मटेरियल कंपनी में लेके आ रहे हैं, उनके साथ इन्फॉर्मेशन फ्लोज कैसे हैं, रابطہ कैसे है. इधर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है कि आप कितनी टाइमली डिलीवरी कर रहे हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे. मार्केटिंग एंड सेल्स में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं आप, SMS मार्केटिंग हो गई. इसी तरह आफ्टर सेल सर्विसेज में आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कस्टमर डेटाबेसिस मेंटेन करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर जगह पे रिक्वायर्ड है. कहाँ लोग नहीं चाहिए आपको? इनबाउंड, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, हर जगह पे लोग चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे चाहिए, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, ठीक है. हर जगह पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. सो बेसिकली सपोर्ट एक्टिविटीज आर देयर टू सपोर्ट ऑल द फाइव प्राइमरी एक्टिविटीज. HR एक्टिविटीज में क्या होता है? रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, डेवलप रिवॉर्ड करते हैं लोगों को. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ जाते हैं. ये सारे के सारे आपके प्राइमरी को सपोर्ट करते हैं. जिस तरह प्राइमरी वैल्यू चेन वैल्यू ऐड करती है, जब हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी है,